साथियों, सर्वे संतु निरामया, पूरा संसार स्वस्थ रहे, भारत की इस हजारों वर्ष पुरानी प्रार्थना पर चलते हुए संकट के इस समय में भारत ने अपनी वैश्विक जिम्मेदारी को भी शुरू से निभाया है। जब दुनिया के अनेक देशों में एयर स्पेस बंद था, तब 1 लाख से ज्यादा नागरिकों को उनके देश पहुंचाने के साथ ही भारत ने 150 से ज्यादा देशों को जरूरी दवाइयां भी भेजी। अनेक देशों के हेल्थ कर्मचारियों को भारत ने ऑनलाइन ट्रेनिंग दी। भारत की ट्रेडिशनल मेडिसिन आयुर्वेद कैसे इम्यूनिटी बढ़ाने में सहायक है, हमने दुनिया को इस बारे में गाइड भी किया। आज भारत कोविड की वैक्सीन दुनिया के अनेक देशों में भेजकर वहां पर वैक्सीनेशन से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करके दूसरे देशों के नागरिकों का भी जीवन बचा रहे हैं। और ये सुनकर WEF में सभी को तसल्ली होगी कि अभी तो सिर्फ 2 मेड इन इंडिया कोरोना वैक्सीन दुनिया में आई है, आने वाले समय में कई और वैक्सीन भारत से बनकर के आने वाली है। ये वैक्सीन दुनिया के देशों को और ज्यादा बड़े स्केल पर ज्यादा स्पीड से मदद करने में ये पूरी तरह सहायता करेगी। भारत की सफलता की इस तस्वीर, भारत के सामर्थ्य की इस तस्वीर के साथ मैं दुनिया के अर्थ जगत को ये भरोसा भी दिला रहा हूं कि आर्थिक मोर्चे पर भी स्थितियां अब तेजी से बदलेगी। कोरोना के समय में भी भारत ने इंफ्रास्ट्रक्चर के ट्रिलियंस ऑफ रुपीज के प्रोजेक्ट शुरू करके एम्प्लॉयमेंट के लिए विशेष स्कीम्स चलाकर इकोनॉमिक एक्टिविटी को बनाए रखा था। तब हमने एक एक जीवन को बचाने पर जोर दिया। अब भारत एक एक जीवन देश की प्रगति के लिए पूरे जी जान से जुट गया है। अब भारत आत्मनिर्भर बनने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। भारत की आत्मनिर्भरता की आकांक्षा ग्लोबलिज्म को नए सिरे से मजबूत करेगी और मैं आश्वस्त हूं कि इस अभियान को इंडस्ट्री 4.0 से भी बहुत बड़ी मदद मिलेगी।